हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे जो शादी थी, आप लोगों को मैंने बताया था सिस्टर की शादी है, तो आज है हल्दी और आज हमारी सिस्टर जो माई हुई बेटी की। पर दोस्तों, क्या है, हम लोग जो है घर की फैमिली को नहीं लेते, पर आप लोगों को दिखाएंगे जो जो आज हमारे साथ होगा और जो जो हम करेंगे। पर आप लोगों को दहेज दिखाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है माइयों वाले दिन दहेज जाया जाता है, और किस तरीके से जाएगा वो आपको सब जो अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहना, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने वीडियो। तो हमारे घर में बड़ी क्यूट बच्चे हैं, पता ही है, हमारी भतीजी है, छोटे भाई की बिटिया, और यहाँ पे देखो ये रोती नहीं है। पता, हमारे घर के बच्चे बहुत क्यूट हैं, वो रोते नहीं। बच्चे पूरी शादी अटेंड कर लेंगे, वो गाइस रोने का और गुस्से का बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मस्ती के साथ और सभी लोग जो है इंजॉय करते हैं। और हमारे ये बैठे हैं उस्मान भाई। तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ को, किधर चली मैं, किधर चली। अच्छा, कुछ बोलो बोलो, सबको सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। तो दोस्तों, बताना हमारी क्यूट सी भतीजी कैसे लग रही है। तो मेरा छोटा वाला भाई है, उसकी बिटिया आई है, और दोस्तों रोने लगी है। देखो, अभी से मैंने बताया था रोती नहीं, पर देखो बहुत क्यूट। तो दोस्तों, आज हम आपको जो हमारे खानदान के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे इसी तरह के गोल मोडल मोटोल मोटोल, आप लोगों को सबको दिखाया जाएगा। तो अभी जाने वाले हम होटल, तो होटल में जो है दहेज का सामान जो है पूरा सजा दिया गया है, पूरा रेडी कर दिया गया है, और आप लोगों को दिखाएंगे। और सामान में बैठे हमारे, और ये इधर हम हैं। तो अभी हम अपनी फूफो के यहाँ लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हम जाएंगे होटल। होटल के बाद फिर हमारे कुछ मतलब चाचा लोग आ रहे हैं जो भात लेकर आ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ से शामिल होंगे। दो चाचा जो हैं, मेरे पापा और मेरे छोटे वाले चाचा जो हैं वो रामपुर में रहते हैं, और कुछ लोग जो हमारे चार चाचा जो है सुवार में रहते हैं, तो वो आ रहे हैं वहाँ से भात लेके, फिर हम उनके साथ यहाँ से शामिल हो जाएंगे, भताई बन के फिर जाएंगे मस्ती करते हुए, कुछ खाए पिएंगे, पर वो दिखाएंगे नहीं आपको। पर बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे जो है माइयों की रस्म होती हैं, और किस तरीके से यहाँ पे मेहमान आते हैं, और किस तरीके से जो है दहेज लेके जाया जाता है, वो भी माइयों वाले दिन, शादी से 3 दिन पहले जो हमारे यहाँ दहेज भेज दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से, और लड़के वाले जो है 3 दिन पहले अपना दहेज ले जाता है, क्योंकि बारात वाले दिन इतनी परेशानी नहीं होती है कि अपने आदमी बारात अटेंड करेगा या सामान वगैरह गाड़ी वाड़ी में रखेगा, ऐसा कुछ। तो 2-3 दिन पहले जो है सामान लेके जाया जाता है। तो आप बने रहना और वीडियो को पूरी देखना अपने। भैया, हमारे फूफो ने जो है भतीजियों को सबको निपटा दिया है, और यहाँ पे जाके टेबल रखी है, टेबल बिल्कुल सफ़ा हो चुकी है, सेब केले अमरूद सब कुछ खाया गया है यहाँ पे दबा के। पर हमारे इरशान भाई ने भी खाया है और क्या कहना चाहते हैं इरशान भाई, सब कुछ बढ़िया रहा है, बढ़िया रहा प्रोग्राम। अब आएंगे लड़के वाले माइयों बिठाने के लिए, वो भी हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहना इसी तरीके से, और कमेंट भी जितने मन करे उतने कमेंट करना, और जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर हो शेयर करना। तो अभी देख सकते हैं सभी जो एक एक करके जो है भात दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी बड़ी अम्मी दे रही हैं, तो इधर हमारे बड़े पापा हैं, ये सामने देख सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे बड़े पापा जो हैं दे रहे हैं मनी, और ये कितना है ये तो नहीं बता सकते आपको। तो ये हमारे सबसे बड़े वाले पापा हैं, फिर ये हमारे चाचा मियाँ हैं, ये चाचा हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिएगा, और ये हमारी फूफो और फूफा साहब हैं, वो हमारा फुफेरा भाई है, तो ये बड़ी वाली फूफो हैं। तो उधर आ गए हमारे बड़े पापा, उधर हमारे फिर जो मेरे पापा से छोटे वाले हैं वो चाचा खड़े हैं सफ़ेद टोपी में, और इधर देखिए हमारे आफाक चाचा खड़े हैं, मुनीब खड़ा है हमारा भैया चचेरा, फिर रियाज खां खड़े हैं, और हमारा रोहित, रोहित रोहित भैया, तो ये हमारा भैया है देखो तो हमारा भैया ये रोहित भैया हमारा है सामने। तो यहाँ पे देखिए बड़े पापा को जो है हार पहनाए जा रहे हैं, तो ये हमारी फूफी चाचा दादी बहन है बड़े पापा की बिटिया, और ये हमारी अम्मी। हमारे शान खान
तुम भी दो यार पार्टी। तो अब आ रहे हैं नोटों के हार। हाँ लो भाई अब आ गए नोटों के हार। मेरा भैया जिनेंद्र, मेरा भांजा बाजी कितना बड़ा सेट लिया। तो इसमें हमारे भांजे भी हैं और भतीजे भी हैं, हमारी बहनें भी हैं और चचा भी हैं, चची भी, सब हैं यहाँ पे। हाँ पूरा खानदान है हमारा ये। तभी इसमें कुछ लोग है भी नहीं जो बाहर अभी काम वाम कर रहे हैं। चचा फूल आने वाले हैं। ग्राम अति भाई बोले बोले बुजुर्ग तो बैठे यार। तो ये हमारे बड़े वाले भिनोई हैं, फिर ये छोटे वाले हैं, फिर हमारे हाफी चचा हैं, फिर हमारे फूफीजाद भिनोई हैं और हमारी फूफीजाद बहन बैठी हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए खाना बनाया जा रहा है माइयों के, मेहमानों के नहीं। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो है या तो माइयों को खाना दिया जाता है या फिर बारात वालों को खाना दिया जाता है। तो हम जो है माइयों वालों को और जो लोकल के हमारे लोग वार हैं, मेहमान रिश्तेदार जो भी हैं, उन्हें जो आज माइयों के दिन खाना दिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी काफ़ी पतीले जो हैं बन चुके हैं, काफ़ी पतीले यहाँ पे बन रहे हैं। उसी के पास यहाँ पे देखिए रोटी बन रही है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग और इसमें जो आपके सालन के भी पतीले हैं, कोरमा के और बिरयानी के भी, दोनों मिक्स पतीले हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारी सिस्टर को दहेज में दिया जा रहा है सारा सामान। और ये वाली बाइक है अपनी जो हम दहेज में दे रहे हैं। और ये पूरा सामान देख सकते हैं आप लोग। तो इस शादी से 3 दिन पहले जब माइयों बिठा लिया जाता है उस दिन हमारे यहाँ सामान भेज दिया जाता है जो हम दहेज में देते हैं। और इधर कपड़े देखिएगा, तो अभी जो है मेहमान आने वाले हैं जो माइयों बिठाने के लिए आ रहे हैं हमारी सिस्टर को। तो ये हमारे घर के बच्चे हैं, बड़े शैतानी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देखो किस तरीके से डिस्को डांस वगैरह कर रहे हैं स्टेज पे यहाँ पे। अरे इसमें एक हमारा भतीजा है, दो भांजे हैं। ये देखो कौन सा गाने पे डांस कर रहे हो तुम, कौन सा गाना गा रहे हो? ये हमारा आतिफ खान, देखो आतिफ खान यार तुम्हारा, यार अलग ही बात है यार। और ये हमारी भतीजी साहिबा आ गई जो हमारे सबसे बड़े भाई की बेटी हैं। ये देखो लाओ गुलाब, गुलाब दिखाओ गुलाब। फाइनली दोस्तों हमारी, जैसा आप लोगों को मैंने बता रखा था, आज हमारी सिस्टर को माइयों बिठाने के लिए आ रहे हैं। और ये हमारी सिस्टर की जो दहेज में जो सारा सामान दिया जा रहा है उसी के साथ ये बाइक भी दी जा रही है। तो बाइक देख सकते हैं जो नई बाइक आई है, आजकल नई लॉन्च हुई है। तो हमारे पप्पा ने जो अपने हमारी सिस्टर को बाइक भी दी है। और ये मेरी भतीजी है और जो इधर खड़ी थी अभी भांजी है। तो चलिए दोस्तों इसी ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में। कल आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं तो दोस्तों पहले इस ब्लॉग को देखिए, उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। क्योंकि कल जो है हमारे यहाँ गज़लें हैं, गज़लों का ब्लॉग बनाया जाएगा। क्योंकि 4 दिन 5 दिन हमारे यहाँ जो डेली जो है प्रोग्राम रहता है, कोई डांस वगैरह, कोई गज़लें वगैरह, इस तरह के जो 4 दिन जो है यहाँ पर प्रोग्राम रहता है। तो कल को देखते हैं गज़लें होंगी या हमारे जितने भी भाई हैं वो डांस वगैरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जैसा भी होगा अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपको।